छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामचरितमानस में क्या नहीं है सब कुछ गोस्वामी जी ने सबका निचोड़ रामचरितमानस में दे दिया। समस्त शास्त्रों का सार, सभी वेदों का सार श्री रामचरितमानस में है। जीवन जीने की कला रामचरितमानस के माध्यम से हम सीखते हैं। एक बार ऐसे ही कुछ लोग यात्रा में जा रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अभ्यास था रामचरितमानस के पाठ करने का। देखा कि ट्रेन आने में अभी समय है, ट्रेन कुछ लेट है, तो क्यों ना रामचरितमानस का पाठ कर लिया जाए। अपने साथ रामचरितमानस की पोथी रखते थे। वह सज्जन रामचरितमानस को खोल करके बड़े भाव से चौपाइयों का पाठ करने लगे। अब ऐसा होता है कि जब कोई भक्ति करे तो कुछ ना कुछ उपहास करने वाले, व्यंग करने वाले आ ही जाते हैं, क्योंकि संसार का काम तो कहना है, वो कहते ही हैं आप भक्ति करो तो भी, ना करो तो भी। अब वह सज्जन तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, व्यंग करने वाले पहुंच गए। महाराज जब देखो, जब रामचरितमानस का पाठ, आखिर क्या है इसमें, इससे क्या मिलता है। खूब व्यंग किए पर वह सज्जन सुनते रहे काफी समय तक। तो एक आध बार सज्जन ने समझाया भी कि रामचरितमानस में क्या नहीं है, सब कुछ है, पर कुतर्की लोग कहां समझते। ये व्यंग करते रहे, कुछ समय बीता, ट्रेन आई। अब महाराज वह सज्जन ट्रेन में चढ़ गए, वह व्यक्ति भी जो व्यंग कर रहा था वह भी ट्रेन में चढ़ गया। पर ट्रेन में चढ़ते ही चिल्लाया है कि चैन खींचो, गाड़ी को रोको। कहा भैया क्यों रोको, क्या बात है। जब किसी ने नहीं सुना तो उसने स्वयं चैन खींच के ट्रेन को रोक दिया। लोगों ने कहा भैया ऐसे बिना काम के ट्रेन को रोकना अपराध है, आपको ऐसे नहीं रोकनी चाहिए। अरे उसने कहा क्यों नहीं रोकनी चाहिए, हमारी पत्नी स्टेशन पर रह गई, वो बैठ ही नहीं पाई ट्रेन में। अब वो सज्जन जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, अभी तक उत्तर नहीं दिया था, पर मौका पे उन्होंने उत्तर दे दिया। कहा भैया रुको रुको, आप पूछ रहे थे ना कि रामचरितमानस में क्या है, क्यों इसका पाठ कर रहे हो, अब आप ही बताओ रामचरितमानस में क्या नहीं है। अगर आपने भी रामचरितमानस पढ़ी होती तो अपनी पत्नी को आप ऐसे स्टेशन पे नहीं छोड़ते। कहा क्यों। कहा कि केवट ने जब राम जी के और जानकी जी के चरण धुले तो केवट ने कहा प्रभु आप नौका में बैठो, तो राम जी पहले नहीं बैठे, पहले किशोरी जी को नौका में बिठा ला है, पीछे से राम जी बैठे हैं। अगर आपने रामचरितमानस का पठन पाठन किया होता तो आप अपनी गृहिणी को, पत्नी को पहले ट्रेन में बिठालते, फिर आप खुद बैठते तो वो नहीं छूटती। इसलिए तो कहते हैं रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उसमें सब कुछ है। कैसे लौकिक धर्मों का निर्वाह करें, जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाता है। इसलिए सबको रामचरितमानस का आश्रय लेना चाहिए। इतनी सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। भारत सरकार की द्वारा लाइट आज जिन गांवों तक नहीं पहुंच पाई, ऐसे ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित रामचरितमानस पहुंच गई है। और ऐसा कौन सनातनी होगा जिसको रामचरितमानस की एकाद चौपाई, एकाद श्लोक, एकाद अर्धाली याद ना हो। प्रत्येक सनातनी को कुछ ना कुछ याद जरूर है।